डरावनी रातें YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और ये मेरे साथ घटी एक बेहद ही डरावनी घटना है। ये बात 5 साल पहले की है। तब मुझे ट्रेन पकड़कर अपने रिश्तेदारों के घर जाना था। हमने ये प्लान बनाया था कि मैं 3 बजे वाली वो ट्रेन पकड़ूंगा, इसलिए मैं 9 बजे के करीब उनके पास पहुंचने वाला था। लेकिन काम करते करते समय कैसे गुजरा मुझे पता ही नहीं चला और अब मुझे 5 बजे वाली उस ट्रेन को पकड़ना था और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा देर बाद ही ट्रेन आने वाली थी। तो मैंने सोचा कि 5 बजे वाली वो ट्रेन किसी भी तरह से पकड़ लूँ, उसके बाद मुझे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भागता हाँफता हुआ मैं किसी तरह से 5 बजे वाली उस ट्रेन को पकड़ पाया था। मुझे सीट मिलने में भी बहुत परेशानी हुई क्योंकि वो ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। लेकिन इससे मेरा काम आसान होने वाला था क्योंकि अगर मैं वहां पर रात को पहुंचता तो मुझे कोई ना कोई बताने वाला तो होता कि मुझे कहां पर उतरना है। मुझे रिश्तेदारों ने यही बताया था कि मुझे उस ट्रेन स्टेशन पर नहीं उतरना है, उससे पहले ही ट्रेन धीमी हो जाएगी, मुझे वहां पर उतरना है और थोड़ा सा पीछे को चलकर आना है जिससे मैं उस मोहल्ले तक पहुँच पाता। अगर मैं ट्रेन स्टेशन में उतर जाता तो मुझे लेने के लिए कोई नहीं आने वाला था और रात को रिक्शा भी नहीं मिलता, इसलिए मुझे इतना लंबा सफ़र चलकर तय करना था। मैं भी किसी तरह से सीट पर बैठ गया और मैंने देखा कि मेरे पास ही एक बुज़ुर्ग बैठा हुआ था। उसने बड़े बड़े चश्मे पहने हुए थे तो मैंने उससे कहा कि मैं उस ट्रेन स्टेशन से पहले उतरना चाहता हूँ, तो उससे पहले जो भी आएगा मुझे बता दीजिएगा। उस बुज़ुर्ग ने भी हाँ में हाँ मिला दी। अब मैं इसी तरह से इंतज़ार करने लगा। अगर मैं 3 बजे वाली उस ट्रेन को पकड़ता तो मैं 9 बजे पहुंचता, जबकि अब 11 बजने वाले थे और मैं जानता था कि वो स्टेशन अब करीब ही है। मैं उसका इंतज़ार कर रहा था और सीट से बाहर की तरफ देखता जा रहा था। लेकिन तभी ट्रेन थोड़ी सी धीमी हुई और लोग कहने लगे कि वो स्टेशन आने वाला है। मेरे भी कान खड़े हो गए क्योंकि मैं जानता था वो स्टेशन अगर आने वाला है तो मुझे उससे पहले उतरना है। मैंने उस बुज़ुर्ग से कहा कि ये जगह उससे पहले ही आती है ना, तो उसने भी हाँ में हाँ मिला दी। इसके बाद मुझे सामने एक स्टेशन नज़र आया। मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। मैं सबसे पहले उतरना चाहता था क्योंकि ट्रेन पहले धीमी थी। मुझे लगा कि वो ट्रेन यहीं पर पहुँचने वाली है, लेकिन मुझसे पहले उतर नहीं हुआ तो मैंने जल्दी से वहां पर छलांग लगाई और मैं उस स्टेशन पर पहुंच चुका था। अब मुझे लग रहा था कि मुझे चलकर पीछे को बहुत दूर तक जाना है, लेकिन मेरा ध्यान जैसे ही ट्रेन पर पड़ा वो तेज़ हो चुकी थी। वो तेज़ होकर आगे निकलती जा रही थी। तब मुझे लगा कि ये स्टेशन वो वाला नहीं है जहाँ पर ट्रेन रुकने वाली है। वहाँ पर लाइट भी नहीं थी। वैसे आम तौर पर ट्रेन स्टेशन पर बहुत लाइट होती है, लेकिन यहाँ पर मेन जगह पर ही लाइट थी जिससे मुझे ये लगा था कि ये एक बड़ा स्टेशन है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा घूमने के बाद मुझे ये पता लग गया था कि ये एक छोटा सा स्टेशन है जो शायद उससे बहुत ही पहले आता होगा। मुझे तो इससे बहुत आगे उतरना था, लेकिन गलती के कारण मैं यहाँ पर उतर गया। अब मुझे यहाँ से चलकर कितनी दूर जाना होगा और क्या ये एक शहर ही है या शहर के बाहर का स्टेशन है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैं कभी ट्रेन से इस तरफ नहीं आया था तो मुझे फ़ोन लगाना ही सही लगा। मैंने अंकल को फ़ोन लगाया और उनको बताया कि मैं उससे पहले उतर चुका हूँ। उनको लगा कि मैं उस स्टेशन के पास हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे रास्ता बताना शुरू कर दिया। वो मुझे बता रहे थे कि तुम्हें 1 किलोमीटर पीछे को चलना है और हमारा मोहल्ला आ जाएगा। लेकिन मैंने उनसे कहा कि शायद मुझसे गलती हो गई है, मैं ट्रेन स्टेशन पर उतर चुका हूँ, लेकिन ये वो बड़ा वाला ट्रेन स्टेशन नहीं है
ये कोई छोटा सा ट्रेन स्टेशन है और मैं गलती से यहाँ पर उतर गया हूँ। तब अंकल ने मुझसे पूछा कि पीछे जाकर बोर्ड पढ़ो, आखिर ये जगह कौन सी है। उसके बाद मैं पीछे जाकर बोर्ड पर इस जगह का पूरा नाम पढ़ने लगा। मैंने इसका नाम जैसे ही पढ़ा, जैसे अंकल सन से हो गए। वो काफ़ी देर तक कुछ बोले नहीं और उसके बाद कहने लगे, यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मैं किसी को जल्दी से भेजता हूँ, वहीं पर छिपकर बैठे रहना। उन्होंने बस इतना कहा और फ़ोन को काट दिया। मुझे हर चीज़ सही लगी, लेकिन उनके आखिरी शब्द मुझे परेशान कर रहे थे। आखिर क्यों उन्होंने ये कहा कि छिपकर बैठे रहना? आखिर उनके कहने का मतलब क्या था? क्या मैं किसी ऐसी जगह पर उतर गया था जहां पर चोर उचक्के हो सकते हैं? क्या मुझे यहां पर खतरा होने वाला है? इन चीज़ों को सोच सोच कर मैं घबराता जा रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैं यहां से दूर नहीं जा सकता था क्योंकि मैंने उन्हें ये जगह के बारे में बता दिया था और पता नहीं आगे सिग्नल मिलेंगे या नहीं। यहां पर भी सिर्फ सिग्नल का एक ही टावर आ रहा था, तो मुझे लगा कि यहां से दूर जाना समझदारी नहीं होगी, तो मैं यहीं पर एक सीट पर जाकर बैठ गया। मुझे काफ़ी देर तक आसपास कोई हलचल महसूस नहीं हुई और मैं इंतज़ार करता रहा कि अंकल कब यहाँ पर आएंगे। मैं थोड़ी देर बाद बोर सा होने लगा और मैंने मोबाइल उठाया और मैं गेम्स खेलने लगा। मैं जैसे ही गेम खेल रहा था, तभी मुझे आसपास से जैसे रोने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा कि ये किसी कुत्ते के रोने की या किसी बिल्ली के रोने की आवाज़ होगी, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ती गई और मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। कुछ आवाज़ें तो बच्चों के रोने की थी और कुछ बड़े इंसानों के रोने की आवाज़ें थी। आखिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही थी? मैं थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन मुझे आगे जाकर देखना था। मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता, लेकिन मैं चोर लुटेरों से डरता हूँ। यही कारण था कि मैं धीरे धीरे मोबाइल की लाइट करके आगे की तरफ बढ़ रहा था। ये आवाज़ें पटरियों से आ रही थी। मैं सोच रहा था कि यहाँ पटरियों पर कौन बैठा हो सकता है और वो इस अंधेरे में इस तरह क्यों बैठा होगा। मैं जैसे ही पटरियों के पास गया, वो आवाज़ जैसे नीचे से आ रही थी। वो ट्रेन की पटरियाँ नीचे थी और वहाँ से ही रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने अपने फ़ोन की लाइट जैसे ही नीचे को की, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नीचे मैंने कटे हुए इंसानों को देखा, मैंने कटे हुए बच्चों को देखा। कुछ धड़ पड़े हुए थे और वहाँ कुछ सर पड़े हुए थे, कुछ हाथ कटे पड़े थे, जैसे यहाँ पर कई लोगों को काट कर फेंका गया था। लेकिन सबसे डरावनी चीज़, वो कट कर भी मरे नहीं थे, बल्कि वो आवाज़ें कर रहे थे। ये उन्हीं की आवाज़ें थी रोने की, ये उनके चिल्लाने की आवाज़ें थी जो मेरी आँखों के सामने हिल रहे थे और मैं डर के मारे जम सा चुका था। मेरे पैर हिल नहीं रहे थे, मैं पीछे को हटना चाहता था, मेरा जैसे खून सूख चुका था। मैं डर के मारे पीछे को हटने की कोशिश करने लगा और जैसे ही मैंने एक कदम पीछे को बढ़ाया, जैसे उनकी आवाज़ें आनी बंद हो गई। मेरे पैर से शायद एक लकड़ी के टुकड़े पर आवाज़ हो चुकी थी, जिस कारण वो मेरी तरफ देखने लगे थे। वो कटे हुए सर जैसे हिले और मेरी तरफ मुड़ चुके थे, वो हाथ भी हिलना बंद कर चुके थे और वो बच्चों ने भी रोना बंद कर दिया। वो सब मेरी तरफ देख रहे थे और मैं घबराया हुआ पीछे की तरफ भागना शुरू हो गया। मैं जल्दी से पीछे को भागा और मैं एक जगह पर जाकर छिप गया। ये एक छोटी सी अलमारी थी जो लकड़ी की थी, इसमें बहुत सारी फाइल्स पड़ी थी। मैंने दो चार फाइल्स को निकाला और मैं वहीं पर छिप कर बैठ गया। मैंने वहां दरवाजे की कुंडी लगा ली थी और मैं डर के मारे बैठा हुआ था, और बाहर से वो आवाज़ें जैसे मेरे नज़दीक आती जा रही थी। वो आसपास से आ रही थी, वहां सरकने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई लिपट लिपट कर चल रहा हो, जैसे कोई घिसट कर वहां से गुजरा हो। मैंने ऐसी आवाज़ें तक सुनी। मुझे खून के छप छपाने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे वहां पर इतना सारा खून हो कि वहां उस पर कोई चल रहा हो।
वहां बारिश नहीं हुई थी तो ये पानी नहीं हो सकता। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगा जैसे उस अलमारी को किसी ने हाथ लगाया हो। जब भी कोई उसके पास से गुजरता तो मेरी जैसे सांस बंद हो जाती। अब मैं इंतजार कर रहा था कि कब अंकल वहां पर आए। उससे पहले मैं इस अलमारी से नहीं निकलने वाला। जब तक सूरज नहीं निकलता मैं यहां से नहीं निकलने वाला। मैं भाग भी नहीं सकता था क्योंकि मेरा सामान बाहर ही पड़ा था। पहले तो मुझे एक ख्याल आया, कहीं ये किसी की चालाकी तो नहीं, कहीं कोई मुझे बेवकूफ बनाकर मेरा सामान उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। लेकिन डर मुझ पर इतना हावी हो चुका था कि मैं बाहर निकल नहीं पा रहा था। लगभग आधे घंटे तक मैं वहीं पर छिपा रहा और मुझे बाहर हॉर्न की आवाज सुनाई देने लगी। पहले मैं ये सोच रहा था कि कहीं ये भी कोई चालाकी तो नहीं मुझे बाहर निकालने की, लेकिन ये मेरे अंकल की बाइक की हॉर्न की आवाज थी। वो काफी देर तक बजाते जा रहे थे जिसके बाद उन्होंने मुझे कॉल लगाई और कहा कि तुम कहाँ गए, मैं वहीं स्टेशन पर खड़ा हूं, जल्दी से आ जाओ, वक्त बर्बाद मत करो। मैंने जल्दी से वो दरवाजा खोला और मैं भागकर स्टेशन के बिल्कुल बीच में पहुंच गया। सामने मेरे अंकल बाइक लेकर खड़े थे और वो मेरी तरफ ही बाइक करके खड़े थे। मैं भाग कर गया और उनके पीछे बैठ गया। मैं उनको हांफती हुई आवाज में बता रहा था, यहां गड़बड़ है, यहां कुछ हो रहा है। लेकिन उसके बाद अंकल कहने लगे, वो बैग उठा लो और जल्दी से पीछे आकर बैठ जाओ, यहां बहुत गड़बड़ है, बोलो मत कुछ। मैंने वहां बाइक से उतरकर उस बैग को उठाया और मैं अंकल की बाइक के ऊपर बैठ गया और वो जल्दी से बाइक को भगाने लगे। मैंने अंकल को इतनी तेज बाइक चलाते हुए जिंदगी में कभी नहीं देखा है। वो तो हमको टोका करते थे कि बाइक तेज नहीं चलानी चाहिए, लेकिन आज वो खुद 60 से 70 की स्पीड पर बाइक चला रहे थे और वो भी घबराए हुए। हम तो दो बार गिरने से बचे थे, लेकिन उन्होंने स्टेशन से बाइक तेजी से निकाली और वो रोड पर पहुंच गए। उसके बाद काफी देर तक वो बाइक को तेज चलाते रहे और जैसे ही शहर आ गया वो बाइक को धीरे करके मुझसे बात करने लगे। वो मुझे कहने लगे कि तुम आज बच गए, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी, तुम्हें नहीं पता तुम कहां पर उतर चुके थे। उसके बाद मैं भी घबराया हुआ उनसे कुछ न पूछ पाया। घर पर जाकर उन्होंने मुझे पूरी बात बताना शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि ये शहर के बाहर वाला एक स्टेशन है जहां पर बहुत पहले ट्रेन रुका करती थी। कहते हैं यहां पर बहुत लोग सुसाइड किया करते थे, इसीलिए यहां पर ट्रेन धीमी हो जाती है और धीरे धीरे निकलती है। यहां पर लोगों को भूत प्रेत नजर आते हैं और उन पर हमला भी करते हैं। आज भी कहते हैं कि वहां पर जो कोई जाता है तो वो प्रेत उनको खींच कर ट्रेन के बीच में ले आते हैं। जो खुदकुशी नहीं भी करना चाहते उनकी भी मौत जैसे उनको खींच कर यहां पर ले आती है। तुम भी बच गए, रात के वक्त तुम गलत जगह पर फंस गए थे। अंकल की इन बातों को सुनकर मैं और ज्यादा घबरा चुका था और उसके बाद से मैंने ट्रेन में सफर करना तक छोड़ दिया। मैं बस से ही अंकल के पास जाता। आज भी मुझे सपनों में वो कटे हुए सर और कटे हुए धड़ नजर आते हैं जो मुझे अंदर तक डरा देते हैं।